ज्ञान रंजन जी, अब दीजिए जवाब। ये तो सीधा सीधा घूमकर आप पर आ जाता है और आपको समेटते समेटते आपके घोषणा पत्र पर सफाई देते देते आपके साथी थक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बात को बड़गलाना, अब बात को लच्छेदार शब्दों में देना, ये बीजेपी की डीएनए है और ये शुरू से है। सिर्फ बात बनाना 2014 से लेके 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने से लेके, महंगाई कम करने से लेके, भ्रष्टाचारी कम करने से लेके, इन्होंने बातें कही, इन तीनों मुद्दे पे बीजेपी आज फेल है। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष तो छोड़िए, आज के डेट में 18 लाख नौकरियां तक इन्होंने नहीं दिया है। दूसरी बात, जिस महंगाई की कसम खा के इन्होंने किया था महंगाई कम करेंगे, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया है। और आज की गृहिणी जो कमर तोड़ महंगाई की आलम से त्रस्त है, आने वाले दिनों में इन्हीं को मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देगी। तीसरी, जो युवा जो बेरोजगार है, इस बार उन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। आज की युवाओं की हालत मालूम क्या है प्राची जी? पता है, जितने भी जो लैला नहीं पीटी मजनू के प्यार में, उतने पीटे युवा मोदी सरकार में। यह है कहानी आज की आलम। और यही नहीं, आप ये देखोगे जिस तरह युवाओं की बात करते हैं, किसान की MSP, 750 किसान वहां पे शहीद हो गए, 10 किलोमीटर भी नहीं था पीएम आवास से। 3 काले कानून लाए, MSP की गारंटी देने की वादा किया था, वो भी नहीं दिया। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन के अलायंस के अंदर हम हर युवाओं को 1 लाख की पक्की देंगे नौकरी, स्टाइपेंड अप्रेंटिस के तहत। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महालक्ष्मी योजना की तरह हर महिलाओं को 85 लाख रुपए अकाउंट में जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब यही सवाल है, सुन लीजिए, मैं यही पूछना चाह रही थी, ये खटाखट 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 महंगाई खत्म करने का फॉर्मूला जरा बता दीजिए, सब जानना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ महंगाई खत्म करने की, मैं बताता हूँ, बताइए। 16 लाख करोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति मित्रों के दिया, उतना ही पैसा हमारे नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन आएगा तो गरीबों को देंगे। और यही महंगाई खत्म होगा, हर हाथ बदलेगा हालात, और यही शक्ति है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से कोरोना काल में गंगा में लाशें बही थी, आज वही लोग मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 40 पार सुन लीजिए मेरा, 400 पार इक्वल टू साइनिंग इंडिया इक्वल टू 0 बटा सन्नाटा। और ये देखिएगा, नहीं प्राची जी, ये बहुत मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, और सर, मैं मजाक कर ही नहीं रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो कोरोना काल में जिस स्टूडेंट ने क्रेडिट का स्टूडेंट लोन लिया था और जिनकी नौकरी अभी भी नहीं लगी है, उन लोगों के 15 मार्च 2024 तक उन युवाओं के अगर नौकरी नहीं लगी तो उनकी भी ऋण माफ करेगी हमारी इंडिया सरकार। जब आएगी उद्योगपतियों पर बोलेंगे तो सवाल आपके शासित राज्यों के खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, सवाल को लेने के लिए बिल्कुल सर, मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ही लोग भड़क जाते हैं। बताइए फिर, उन्हीं उद्योगपतियों को काम क्यों देते हैं आप छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में? दीजिए जवाब। मैं जवाब देता हूँ, बोलिए। हमने काम दिया ना कि उनके ऋण माफ किए, दो अलग अलग चीजें हैं मैडम, आप समझिए। 16 लाख करोड़ आप समझते हैं कितना बड़ा अमाउंट है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसी बातें करते हैं, मंगलसूत्र की बात लाते, 20 गलवान में जो साथी मर गए, शहीद साथी, उनकी महिलाओं का मंगलसूत्र का क्या? और ये बताइए, जिस तरह से अग्निवीर, हमारी अगर सरकार आई तो अग्निवीर सेना को, अग्निवीर योजना को हम निरस्त कर देंगे, जवाब दो तरफा नहीं चलेगा, शहीद देश की शहीद जो है शहीद मिलेगा। श्याम सुंदर जी, क्या